नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या ग्रीन टी पीने से आपका वज़न कम होने में मदद हो सकती है। देखो, इस पे दो नज़रिए हैं, एक तो है विज्ञान का और एक है आयुर्वेद का। विज्ञान का नज़रिया ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा ग्रीन टी पीने से वज़न कम करने में। कुछ विज्ञान का कहना है, कुछ स्टडीज़ का कहना है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता ग्रीन टी से। कुछ का कहना है कि बहुत हल्का सा फ़र्क पड़ता है। आप दिन में मान लो लगभग 2-3 बार आप अगर आप ग्रीन टी पी रहे हो, एक कप समझ लो लगभग, तो आप 50-60-70-80 कैलोरी ज़्यादा खर्च कर लोगे अपने पूरे दिन में। लेकिन 50-60-70-80 कैलोरी कोई खास ज़्यादा नहीं होती है एक दिन में खर्च करने के लिए। और कुछ विज्ञान का ऐसा भी कहना है कि ग्रीन टी से कोई खास फर्क आएगा नहीं, इतना फर्क भी नहीं आएगा तो समझ लो। कुछ विज्ञान कैसे भी कहना है ग्रीन टी कैलोरी बर्न करने में कुछ खास मदद नहीं करेगी। मतलब ये सिद्ध नहीं हुआ अभी तक कि ग्रीन टी फैट बर्न करने में मदद करेगी करेगी। ग्रीन टी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं मैं आगे वीडियो में बात करूँ, पर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो कोई एक विज्ञान ये कह सकता है कि रोज पियो, एक बार नहीं 2-3 बार पियो, सुबह दोपहर शाम पियो, विज्ञान ऐसा कह सकता है। और आयुर्वेद का नज़रिया देखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से चाय जो है, ग्रीन टी या कोई दूसरी चाय, अभी ग्रीन टी की बात कर रहा हूँ, चाय जो है, ग्रीन टी जो है, ये हमारे शरीर में खुश्की बढ़ाती है, ड्राइनेस बढ़ाती है, खुश्की बढ़ाती है। तो ग्रीन टी उस आदमी को नहीं पीने चाहिए जिसके शरीर में वायु ज़्यादा है, गैस की दिक्कत होती है इस तरीके से, या जिसकी चमड़ी सूखी सूखी चमड़ी है। सूखी सूखी चमड़ी होती है ना, कई लोगों की ऑयली चमड़ी होती है, कई लोगों की चिकनी चमड़ी होती है, कई लोगों की सूखी चमड़ी होती है। सूखी चमड़ी वालों को नहीं पीना चाहिए। जिनकी ऑयली चमड़ी है, जो बहुत मोटे हैं, जिनके शरीर में बहुत चर्बी है, जिनके शरीर में चर्बी ज़्यादा होने का मतलब कफ ज़्यादा है, जिनके शरीर में कफ ज़्यादा है, जिनकी ऑयली चमड़ी है, वो पी सकते हैं। वो भी रोज रोज नहीं, कभी कभी पी लिया। जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है उन्हें ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। जिनके शरीर में वायु ज़्यादा है, वात ज़्यादा है, उन्हें नहीं पीनी चाहिए। अगर वो मतलब मान लो आपकी चमड़ी सूखी सूखी है, आपके शरीर में वायु ज़्यादा है, आपको गैस की दिक्कत रहती है, आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा आप पी रहे हो, तो ये आपको नुकसान कर सकती है। आपके शरीर में खुश्की बढ़ाएगी, आपके बाल झड़ सकते हैं और भी दिक्कतें हो सकती है, तो आपको नहीं पीनी चाहिए। जिसको शरीर में मैंने बताया, जिसकी ऑयली चमड़ी है, चिकनी चमड़ी है और मोटापा है जिसमें, वो पी सकता है कभी कभी, लेकिन उसे भी कोई रोज पीना नहीं है। और रोज 3 बार पीना तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग सुबह दोपहर शाम 3 बार पीते हैं, सोचते हैं हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे बैठे बैठे। और जब आप पियो, कभी कभार भी पियो, तो थोड़ी पियो, 8-10 घूंट जितनी पी ली तो पी ली, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसे नहीं, हाँ दो गिलास भर के पी लेंगे, आज ही तो पीने को मिली है, आज ही पी लेंगे, सारी सेहत आज ही ले लेंगे, ऐसा नहीं। ये आयुर्वेद का नज़रिया बताया मैंने आपको, मेरा नज़रिया क्या, मैं क्या कहूँगा, मैं खुद के लिए क्या करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए क्या करूँगा, मैं अपने दोस्तों को क्या कहूँगा, मेरे साथ पूछोगे तो मैं क्या सलाह दूँगा। देखो, मैं ये कहूँगा वज़न कम करने के लिए, तो देखो ना विज्ञान ये कह रहा है कि वज़न करने में कोई खास कारगर है, और ना आयुर्वेद ऐसा कुछ कह रहा है कि इसको रोज़ पीने से आपको कोई बहुत फ़ायदा है। तो मैं कहूँगा कि वज़न कम करने के लिए तो हम इसको कारगर नहीं मानेंगे, तो वो तो उसके लिए तो एक काम आए लेने के लिए बात ही नहीं। सेहत के लिए अगर बात करके, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, साइंस के हिसाब से इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है तो सेहत के लिए अच्छी है, पर आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर में खुश्की बढ़ा सकती है, तो रोज़ रोज़ पीने के लिए सही नहीं है। अब अगर रोज़ रोज़ पीने के लिए सही नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती का रिस्क लेना, मैं ये कहूँगा। और हमारे पूर्वज ये ग्रीन टी वगैरह कुछ कहाँ पीते थे, ये तो वेस्टर्न लोगों से, मतलब फॉरेन के लोगों से, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों से आई हुई चीज़ें हैं। तो और बिना ग्रीन टी पिए वो 100-100 साल जी करके गए हैं, तो इसका मतलब हमें ग्रीन टी पिए बिना हम भी 100-100 साल जी सकते हैं, मतलब हम आराम से रह सकते हैं, हमें ग्रीन टी पीने की ज़रूरत नहीं है। ये बाहर के फॉरेन के लोगों से, विदेशियों से, अंग्रेजों से आई हुई हमारे पास में। तो जब हमारे पूर्वज बिना पिए इतना लंबा जी के चले गए, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम पिए, ठीक है। और फिर बची बात वज़न कम करने के लिए, आप दोस्तों 3 बार ग्रीन टी पियेंगे बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे, या कंप्यूटर पर काम करते करते, या मोबाइल छेड़ते छेड़ते पतले हो जाएंगे, तो ऐसा है, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो। वज़न कम करने के लिए सबसे सही है सही डाइट और एक्सरसाइज, वो करो। ये ग्रीन टी वगैरह या फिर ये पाउडर और गोलियाँ खा करके शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो।
मैं तो ये कहूँगा अगर मेरे को कोई गया तो मैं कहूँगा कि ग्रीन टी कोई खास वजन कम करने में कारगर नहीं, और ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से, साइंस के हिसाब से इसके सेहत के फायदे हैं, पर आयुर्वेद के हिसाब से इसके कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फायदे हैं और ऐसे रोज पीने लायक चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा कि नहीं पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही कहूँगा। और मेरे से कोई कहेगा कि अब तू पीता है पिएगा क्या, अपने परिवार को पिलाएगा, तो मैं उन्हें कहूँगा नहीं पीने की कोई जरूरत नहीं है, ये शरीर में खुशी बढ़ाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।